विजय भसीन जी, आदरणीय रेखा मैडम जी, हमारी व्यापार मंडल की टीम व प्यारे छोटे छोटे बच्चों, सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि जो हमारा देश आजाद हुआ, जो हमारा संविधान बना, वो उन शहीद सैनिकों की वजह से बना जिन्होंने देश की सीमा पर देश को इज्जत बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। देश की आजादी के लिए जिन शहीदों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, सबसे पहले मैं उन्हें हाथ जोड़कर नमन करता हूं और भगवान से यही मांगता हूं कि हमारा देश हमेशा आजाद रहे। मैं सभी बच्चों से कहना चाहूंगा कि जो इनके हाथ में ये राष्ट्रीय ध्वज है, ये ध्वज नहीं, ये हमारी शान है, हमारी इज्जत है। इनको प्रोग्राम खत्म होने के बाद फेंके नहीं, इकट्ठा करके रख दें, जिससे हमारी देश की आन बान शान जो ये तिरंगा है बनी रहे। आज के कार्यक्रम के संचालक पूरा स्कूल गोकुल विद्यापीठ सोसाइटी ऑफ यूनिवर्सल लव, मैं बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम इस स्कूल में आए और साथ में आपके इस कार्यक्रम में शामिल हो सके। हम आपसे छोटे हैं, हम किसी भी रूप से अतिथि बनने के लायक नहीं हैं, मगर आपने इतना प्यार और सम्मान दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। किसी भी आवश्यकता होगी, उत्तर प्रदेश युवा व्यापार मंडल किसी भी तरीके से इस स्कूल की मदद करने के लिए तैयार है। हमें एक मौका दिया जाए और बताया जाए कि आपके स्कूल में किस चीज की कब जरूरत है, तो हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि उसको समय पर पूरा कर दिया जाए। इस स्कूल में समय समय पर मेरा आना होता रहता है और जो ये छोटे छोटे बच्चे जिस तबके से आते हैं, जो इनकी एक्टिविटी है देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं हम लोग, इनका इनका डांस, इनकी परफॉर्मेंस, इनकी पढ़ाई, रेखा मैडम का समर्पण, मतलब देखने लायक होता है कि एक एनजीओ स्कूल के अंदर इतना सब कुछ मिलता है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा पूरे स्कूल बॉडी का जिन्होंने हमें इस लायक समझा और आज हम इस महान अवसर पर आपके बीच उपस्थित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।